हेलो एवरीवन, बीबीसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पेंटागन की रचना करना, वो भी अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पेंटागन बनाना अर्धवृत्ताकार विधि से। मान लीजिए हमें जो पेंटागन बनाना है उसकी एक साइड हमको दी हुई है और वो है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरफ आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अर्धवृत्ताकार नाम है इसका, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंपास खोलता हूँ और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करता हूँ। इजी है। अब हमको क्या करना है, चूंकि हम पेंटागन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पेंटागन बना रहे हैं, तो हमें पता है पेंटागन के यानी किसी भी वृत्त के आंतरिक कोणों का योग होगा 360। तो पेंटागन का एक कोण जो है वो हो जाएगा 72। अब हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्ताकार के भी 5 बराबर हिस्से करेंगे। कितने करेंगे, 5 बराबर हिस्से करेंगे। क्यों करेंगे वो हम बता देंगे। 5 बराबर हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, इसके 5 बराबर हिस्सा करने के लिए, चूंकि अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का, 180 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो हो जाएगा ये 36। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 36 36 डिग्री के 5 कोण बना लूंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कोण होगा 36 का, फिर उसके बाद 72 का, इसके बाद यहाँ से 36 और यहाँ से 72 भी कर सकते हैं, और यदि अपनी कंट्री होते हैं तो तीसरा कोण होगा 108 का, 105 6 7 8, और ये चौथा कोण होगा 144 या इस तरफ से 36। ये कोण अपने को मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन कोणों को मैं हल्का हल्का यहाँ पे मिला देता हूँ, ऐसे सभी को तो इनको नाम दे देता हूँ अपने, इसको 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे रेखा ए और बी का समद्विभाजन। रेखा और ए और बी का समद्विभाजन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलता हूँ, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसी प्रकार हम करेंगे रेखा ए और दो, इसका भी समद्विभाजन।
इसको मैं आगे दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। और ये जो आपस में काट रहे हैं इस नए बिंदु का अपन नाम दे देते हैं ओ। अब वापस से मैं कंपास लेता हूँ, ओ से ए तक अपना कंपास खोल लेता हूँ, ओ से ए तक। ये कंपास दो के ऊपर भी टच होगा और बी के ऊपर भी टच होगा। यहाँ से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ए बी रेखा के बराबर मैं एक कंपास वापस खोल लेता हूँ। यहाँ से एक चाप सर्किल के ऊपर यहाँ डालता हूँ और एक चाप सर्किल के ऊपर यहाँ डालता हूँ। वापस यदि चाप डालने की कोशिश करूँगा तो ये दो पॉइंट पे ही आके मिलेगा। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी, इसको डी और इसको ई। देखिए हमें अब अपना पेंटागन मिल गया है। अपने में क्या करना है, ए को बी से मिला देना है बी को सी से मिला देना है। अब सी को डी से मिला देना है। और डी को वापस ई से मिला देना है। और ई को ए से मिला देना है। इस प्रकार हमको रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई ए प्राप्त हो गया है। तो ये था पेंटागन बनाने का सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार मेथड। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।